को जो काम था वो काम सही से नहीं कर पाया। हम लोग निरापत्ताहीनता भोग रहे हो, इसीलिए हमारा ये। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर आज छात्र और मजदूर संगठनों की ओर से नवन्ना मार्च निकाला गया। इस प्रदर्शन का आह्वान पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने किया था। ये प्रदर्शन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के खिलाफ हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र न तो पुलिस की लाठी की परवाह कर रहे थे और न आंसू गैस के गोलों की। वाटर कैनन से निकल रहे पानी की तेज बौछार प्रदर्शनकारियों की हिम्मत तोड़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ममता सरकार को पहले से अंदेशा था कि छात्रों का यह प्रदर्शन विशाल रूप लेने वाला है, इसलिए एहतियातन 6000 पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। हावड़ा ब्रिज सील कर दिया गया था और छात्रों को नवन्ना भवन तक पहुंचने के लिए ब्रिज पर लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसे प्रदर्शनकारी छात्रों ने खींच कर हटा दिया। लाठी चार्ज, वाटर कैनन से बौछारों की बरसात और आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद भी प्रदर्शनकारी हावड़ा ब्रिज से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। पुलिस प्रशासन जहां एक तरफ प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, वहीं आंदोलनकारी हावड़ा ब्रिज पर डटे रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों से सुनिए कि उनकी मांग क्या है। हम लोग यहाँ पर आया नवान्न अभियान के लिए। क्यों ये नवान्न अभियान? इसलिए जे 15 दिन पहले आरजीकर हॉस्पिटल, वहाँ पर हमारा एक बहन डॉक्टर प्लस छात्री तो निशंस भावे रेप एंड खून हुआ, इसलिए हम लोग प्रतिवाद करने के लिए आया। क्योंकि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनको अंडर हेल्थ मिनिस्टर है, उनको अंदर स्वराष्ट्र दफ्तर है, इसीलिए उनको जो काम था वो काम सही से नहीं कर पाया। हम लोग निरापत्ताहीनता भोग रहे हो, इसीलिए हमारा ये प्रतिवाद। बात बताइए, पुलिस की तरफ से देखा गया है कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयड है, बहुत सारा पुलिस फोर्स है और पुलिस बोल रहा है कि आज वायलेंस एंटिसिपेटेड है, क्या ऐसे कोई प्लानिंग है? हम लोग शांतिपूर्ण अवस्थान कर रहा हूँ एवं नवान्नों में जाऊंगा, लेकिन पुलिस प्रशासन हमको साथ जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही होगा उत्तर। हम लोग शांतिपूर्ण ही चाहता है, जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं ये शांतिपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड जाना चाहिए, ये हम लोग खड़ा हो इस प्रतिबद्ध कर रहा हूँ, ठीक है ना। ममता सरकार की पुलिस को लेकर भी प्रदर्शनकारियों में काफी गुस्सा दिखा। हम वेस्ट बंगाल के जो पब्लिक है उसका एक ही डिमांड है, दफा एक, दाबी एक, ममता पदत्याग। और एक बात कहना चाहती हूँ, एक पश्चिम बंगाल का जो छात्र समाज है उन्होंने ये आंदोलन का डाक दिया है, लेकिन ये आंदोलन में हर समाज का, पश्चिम बंगाल का हर संप्रदाय का लोग है, शिक्षक है, छात्र है, महिला है, भाई है, दादा है, सब लोग है इसी ये आंदोलन में। इसलिए कहना चाहती हूँ, ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा चल रहा है, इसमें अगर कोई संतोष कोई भी कुछ करे करना चाहे तो हमारा ये आंदोलन यहाँ पे नहीं रुकेगा। हमारा आंदोलन का जो मेन मुद्दा है वह है दफा एक, दाबी एक, ममता पदत्याग। कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टर की हत्या के विरोध में नवन्ना प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी भाजी और आंसू गैस के गोले छोड़े। कई प्रदर्शनकारियों को बाद में हिरासत में भी लिया गया। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये सांतरागाछी का इलाका है और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इस तरह से बैरिकेड टूटने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो है वो दागे और साथ ही लाठी चार्ज भी किया प्रदर्शनकारियों पर। लेकिन अभी आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि इस तरह से पुलिस उनको पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक और रैली है जो आकर यहाँ पहुंची है और पुलिस की तरफ से उन्हें पीछे खदेड़ने का काम किया जा रहा है। ये देखिए लाठी चार्ज।
যে পড়ে গেছে নয়নজলি তো নয়ন পড়ে बिल्कुल बिल्कुल हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरह से पुलिस से पहले लाठीचार्ज किया और उसके बाद उसे अभी पकड़कर जो है आगे लेकर जा रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए किस तरह से उसे पकड़ा जा रहा है। कुछ देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको एक के बाद एक जो है पुलिस गिरफ्तार कर रहे हैं और उसे यहाँ पर पकड़ा जा रहा है और लगातार लाठीचार्ज करते हुए इस पूरे इलाके को पुलिस से खाली किया है। यहाँ पर एक और रैली आकर पहुंची थी और फिलहाल पुलिस उनको पीछे खदेड़ दिया है। लगातार यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा था, लाठीचार्ज कर जो है उन्होंने आगे की कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार भी किया। और देखिए जो महिलाएं हैं उनको कह रहे हैं यहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन साफ हो गया है तस्वीरों में किस तरह से ये लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे और फिलहाल पुलिस उन्हें पुशबैक कर दिया है। उन्हें पीछे खदेड़ने के बाद पुलिस अब फिर एक बार अपने पोजीशन पर आकर पहुंच गई है और अब जो है बैरिकेड से कई दूर जो है यहाँ पर पहुंच गई है पुलिस, क्योंकि वो नहीं चाहती फिर एक बार जो है बैरिकेड के पास पहुंचे। आप देखिए यहाँ पर जो है हावड़ा पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से तनावपूर्ण यहाँ पे परिस्थिति हो गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था प्रदर्शनकारियों पर और साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही बैरिकेड टूटा और जो सीनियर ऑफिसर है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक देखिए आप देखिए किस तरह से देखिए उसको पकड़ के लेकर जा रहे हैं। देखिए प्रदर्शनकारी को जो है किस तरह से एक एक कर गिरफ्तार कर लेकर जाया जा रहा है, उनको डिटेन कर रहे हैं। देखिए लाठीचार्ज भी किया गया, अभी अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उसे भी पुलिस इस तरीके से जो है लेकर जा रही है। आपको प्रदर्शनकारी छात्रों ने कोलकाता पुलिस पर क्या आरोप लगाए हैं ये भी सुन लीजिए। हॉस्पिटल ले आ गया है, इनको भी मारा है, बहुत पुलिस कह रही है कि बैरिकेड तोड़ा था। नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था, हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईद मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है। बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी मांग है कि ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा दें। देखना होगा कि छात्रों का यह प्रोटेस्ट पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या मोड़ लेता है।